अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको जिंजर कढ़ाई चिकन बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। मेरी कनाडा से आई हुई फ्रेंड ही ये चिकन बना रही हैं, जिनका नाम बुशरा सयाल है। ये उनकी तरकीब है, तो आइए देखते हैं कि वो इस चिकन को कैसे तैयार करती हैं। ये 1.25 किलो के करीब गोश्त है इसके अंदर। इसमें उन्होंने 1.25 किलो के करीब टमाटर डाले हैं और 1 3 इंच का टुकड़ा अदरक का काट कर डाला है। 3 जवे लहसुन के काट कर डाले हैं, उसको बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया है। ये इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हैं। शुरू में भी सिर्फ थोड़ा सा नमक डालेंगे हम। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम आगे इसे कैसे पकाएंगे। उन्होंने इसके ऊपर ढक्कन देके नीचे चूल्हा ऑन कर दिया है। ये चिकन अपने ही पानी में पककर तैयार होगा और इसमें टमाटरों का पानी भी शामिल हो जाएगा। और ये जब खुश्क होने लगेगा तो हम इसके अंदर मसाला जार शामिल करेंगे। अभी इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। उन्होंने अभी इसको हंडिया को चेक किया है और इसमें उनको टमाटर कम लगे थे। 1/2 किलो टमाटर उन्होंने पहले डाले थे, जो कि 6 दर टमाटर थे तकरीबन। अब उन्होंने इसमें 3 टमाटर और डाल दिए हैं। ये तकरीबन 700 ग्राम के करीब इसमें टमाटर चले गए हैं। और इस वक्त उन्होंने इसकी आंच को भी बिल्कुल मिनिमम कर दिया है। देखिए नाजरीन, चिकन का पानी निकल आया है, टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे ढक्कन हटा के खुला पकने देंगे और आंच थोड़ी तेज कर देंगे। इस पानी को भी हम थोड़ा सा और खुश्क करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने कौन से मसाला जात इसमें डाल दिया। ये बोनलेस चिकन है, आप चाहें तो बोन्स वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये चिकन ब्रेस्ट का गोश्त है। ये देखिए, इसका पानी खुश्क हो गया है तकरीबन। अब इसमें हम, अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ लेकिन इसका काफी हद तक पानी सूख गया है। अब इसमें सबसे पहले हम 1/2 टीस्पून हल्दी का डालेंगे। और ये 1/2 टीस्पून ही सुरख मिर्च डाल रहे हैं हम इसमें। और ये 1/4 टीस्पून धनिया है और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च है। और इसमें 1/4 टीस्पून जो है ये अजीनोमोटो है। 1¾ इसमें नमक डाला है हमने। और ये 1 कप तेल डाल रही है इसमें। अब 5 से 7 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें ये हरी मिर्चें डाल देंगे। ये तकरीबन 4 हरी मिर्चें हैं जिन्हें बारीक बारीक कतरा है हमने। इसमें नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। और अब इसमें ये हम 5 टेबलस्पून अगर डाल रहे हैं। बुशरा का कहना है कि वो अपनी हंडिया में पेपरिका नहीं डालती, इसलिए आपको इसकी रंगत उतनी सुरख दिखाई नहीं देगी जितनी मेरी हंडिया की रंगत सुरख होती है। और अब इसके ऊपर हम हरा धनिया कतर के डाल देंगे और इसमें साथ में ये ढेर सारा अदरक इसके ऊपर डाल देंगे। और ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला भी इन्होंने इसके ऊपर छिड़क दिया। और अब इसकी आंच बंद करके इसको हमने दम दे दिया है। बस हंडिया हमारी तैयार है 5-10 मिनट में। दही डालने के बाद इसकी ज्यादा भुनाई नहीं करनी। ये देखिए नाजरीन, 5-10 मिनट के दम के बाद ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शानदार कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली दफा एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ना सिर्फ ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि इसको अपने तमाम मिलने मिलाने वालों, अपने अजीजों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों और सभी दोस्त अहबाब से शेयर भी कीजिएगा। तो अगली दफा तक के लिए खुदा हाफिज़ व नासिर।